ड्राइवर जल्द से जल्द ऑफिस चलो, लेट्स गो, और ब्लो थोड़ा तेज करो। लड़के ड्राइवर, कॉपीकैट तुम? तो ये तेरा प्लान था? माँ भी? हाँ, मैं भी। कॉपीकैट, मैं पहले बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ तो मैं आपको टाइम से पहुँचा दूंगी। दोनों ऊपर पहुँच जाएंगे, तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है? हाँ, चिराग भैया ने पिछले 2 हफ्ते से मुझे सिखाया है, मैं अच्छी चला लूंगी। माँ फिर भी रिस्क है। खतरा तब तक होता है बेटा जब तक भरोसा ना हो, और मुझे गोपिका वो पर पूर्ण भरोसा है। अरे बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है भाभी। कुछ नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा माँ। सक्षम जी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको टाइम पे पहुँचा दूंगी। वैसे भी जब आप साथ हो तो मेरा आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होता है। चले मैं कह रहा था वो गाड़ी पीछे नहीं, आगे जाना है, आगे। सॉरी सॉरी सॉरी। गोपिका, आगे जाने के लिए फर्स्ट गियर लगता है, पता ना तुम्हें? हाँ, मैं अभी सही गियर डालूंगी। वेट 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 वेट। सक्षम जी। अरे बे गोपिका। भैया, अरे गाड़ी है, हवाई जहाज नहीं, उसे मौका तो दो, तुम बताओ। अरे उनके पास लर्नर्स लाइसेंस भी है भैया, आप बैठो तो सही। आप लोग शांत हो जाए माँ। माँ मैं उतरा हूँ आगे बैठने के लिए। आगे बैठने के लिए जी, क्योंकि गोपिका ड्राइवर नहीं पीवीएम। अब साथ जा ही रहे हैं तो साथ बैठ के जाएंगे। चलो मां, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रुको, ये हुआ रिवर्स, ये लगा फर्स्ट। अब चले। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम ड्राइविंग सीख रही हो। बता दी थी तो आपके चेहरे पे ये सरप्राइज कैसे दिखती। तो अब आपको कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो पहली बार आत्मनिर्भर होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ, कोई भी। गोपिका, आप गाड़ी को अटक अटक के चलाना और स्मूथी चलाने में फर्क होता है। अभी तुम्हें प्रैक्टिस की और जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी गियर चेंज करो क्लच दबा के रखना। चलो अब फिर से ट्राई करते हैं। अब चलो। I'm really impressed, गोपिका। काफी जल्दी ड्राइविंग सीख ली तुमने। वैसे ये टैलेंट तुमने इतने साल तक कहाँ छुपा के रखा हुआ था? टैलेंट था और आत्मविश्वास आपसे मिला तो बस काम बन गया। क्या हुआ? पुलिस। हाँ तो? सक्षम जी, मेरे पास वो 6 महीने वाला ही है, वो क्या कहते हैं, लर्नर्स लाइसेंस। इट्स ओके, अगर लर्नर वाले के साथ नॉर्मल लाइसेंस वाला बैठो ना तो गाड़ी चला सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हारा पर्स, तुम बस पेपर निकालो, बाकी मैं बात कर लेता हूँ। फंस गए। अब क्या हुआ? लाइसेंस जल्दी जल्दी मैं घर पे भूल आई। गोपिका, तुम भी ना क्या करें? एक काम करते, जैसे मैं कहूँ वैसे करना, डरना मत। वो इरिटेटिंग बीवी होती है ना, वो कैसी लड़ती है, शुरू हो जाओ। अरे झगड़ा करो मुझसे, शुरू हो जाओ। पर आप तो इतनी अच्छी हो, मैं कैसे झगड़ा करूँ? झगड़ा करो मुझसे। लाइसेंस और आरसी दिखाइए। जी जी जी, तुम जेल जाना। हेलो, तो बस एक्टिंग करनी तुम्हें। लाइसेंस और आरसी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे गाड़ी चला दो, तुम किसी की नहीं सुनती हो। Why I listen to you? Who you are? भूल गए मुझे? I'm your husband. So, I'm your wife और मुझे एयरपोर्ट जाना है। अरे मैडम,
मुझे भी ड्यूटी खत्म करके घर जाना है। लाइसेंस दिखाइए फिर आप लोग जा सकते हैं। हाँ तो चले तो जाएंगे, चाचा के मामा के भांजा भी भगवान के पास बीमार है ना वो। लेकिन अभी आप मुझे बताइए क्या मैं गलत हूँ या ये गलत है? He my husband। मैडम आप बोल क्या रही हैं? मैं क्या बोल रही हूँ, ये मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं? मुझे एयरपोर्ट जाना था लेकिन ये साथ आ गई, मुझे बता रही इसे जाओ वैसे जाओ, इधर मुड़ो उधर मुड़ो। लेकिन इसमें मेरे चाचा के मामा के भांजे की क्या गलती है, आप ही बताइए मुझे। रिश्तेदार है तो रिश्तेदार, और हस्बैंड उसकी खुशी उसकी मर्जी, कुछ नहीं इसके आगे। बताओ रिश्तेदार देखा आपने, देखा ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते, बस इन्हीं को बोलना है, बस यही सही है। अब शहर के पुलिस वाले सारे अरे घर में अपनी बीवी तंग करती है बाहर दूसरों की। मैडम आप जाओ, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, एयरपोर्ट जाओ, बस स्टॉप जाओ, रेलवे स्टेशन जाएंगे, इनको जाने, इनको जाने दो, जहाँ मन करे जाओ आप जाओ। परेशान कर दिए यार। बच गए ना सक्षम जी। कॉन्फिडेंस की गोपिका बड़े से बड़े झूठ को सच बनाता है। पता है सक्षम जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बाहर आके हॉर्न ही बजा देगा, इतना जोर से धड़क रहा था। ओके ओके ओके, अब बहुत मस्ती होगी, अब मेरा कॉल है, गाड़ी ध्यान से चलाना और स्पीड ब्रेक संभल के प्लीज। तुम घर वाली भले सही गोपिका, पर ऑफिस वाली तो मैं ही रहूंगी। यहां सक्षम को कैसे दूर करोगी मुझसे? आ गई आपकी मंजिल। थैंक यू सो मच, तुम अकेले घर चली जाओगी? हाँ, आपने कॉन्फिडेंस दिया है ना उसके भरोसे। अगर वो पुलिस वाला मिला तो क्या कहोगी, कि पति को रास्ते में छोड़ दिया? अच्छा गोपिका सुनो, तुम ऑफिस आओ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर बाहर निकल जाना। हाँ चलो। अभी तक आया नहीं, देखती हूँ। Here comes my man. What a surprise! आज लंच के साथ साथ लंच बनाने वाले को भी साथ लिया। लंच बनाने वाले का प्रमोशन होने वाला है। कमलेश जी। जी सर, आया। हुकुम कीजिए। इनसे मिले, इनका नाम है गोपिका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घर में मेरी वाइफ है, ऑफिस में मेरी सेकंड इन कमांड, और आज से ये भी ऑफिस का काम संभाले। ये कब, आई मीन गोपिका ऑफिस में क्या करेगी? प्रिया वही जो हम सब करते हैं, मेहनत, राइट? आप कमलेश जी इनका कैमरा रेडी कीजिए। केविन, सक्षम जी अभी अभी तो आई हूँ, मुझे काम सीखना है, और अगर केविन में बंद रहूंगी तो काम कैसे करते हैं ये कैसे सीखूंगी? सी प्रिया, इसे कहते हैं डेडिकेशन। गोपिका अब तुम ही बताओ कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहोगी? हीरे जैसा पति मिला है तो हीरे वाले डिपार्टमेंट में ही डाल दीजिए। कमलेश जी हो जाएगा सर, हो जाएगा। सक्षम जी एक बार मैं ऑफिस देख लूं, सबसे मिलूंगी तो काम करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। प्रिया बेन, आप दिखाएंगी मुझे ऑफिस? जरूर, व्हाई नॉट। जी तो चाहता है ऑफिस फ्लोर से नीचे धक्का दे दो इसे, गवार चश्मिश।